नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ फास्टैग यूजर्स के लिए ये बहुत जरूरी खबर है, क्योंकि पेटीएम फास्टैग जो है, यानी कि पेटीएम के द्वारा इशू किया गया फास्टैग जो है वो 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा। बंद इस संदर्भ में होगा कि उसमें कोई भी नया रिचार्ज नहीं होगा, टॉपअप उसमें नहीं होगा, केवल जो पिछला बैलेंस है वही इस्तेमाल हो पाएगा। और जैसे ही आपका बैलेंस एक्सपायर होगा, बैलेंस समाप्त होगा, रिचार्ज उसमें नया नहीं होगा। यानी कि पेटीएम से इशू हुआ आपका फास्टैग, पेटीएम पेमेंट बैंक से इशू हुआ आपका फास्टैग, उसके बाद बंद हो जाएगा, पूरी तरह से यूजलेस, बेकार हो जाएगा। और इस समय आपको ज़रूरत है कि अगर आप फ्रिक्वेंट विजिटर हैं और टोल से आप गुजरते हैं, तो आप नया फास्टैग जो है वो लीजिए। वो आपको साइट पर जाकर इशू करवाना है और पुराना फास्टैग बंद करवाना होगा। दोनों के लिए वहाँ पर आपको विकल्प मिल जाएंगे। आपको सिंपली लॉगिन करना है फास्टैग पेटीएम पोर्टल पर और वहाँ पर अपना जो आईडी वगैरह है वो सबमिट करना है, और टैप्स के जरिए आपको सपोर्ट मिलेगा। और आखिर में जाकर आपने ये विकल्प चुनना है कि आपका जो पुराना फास्टैग है उसे बंद किया जाए, और उसके बाद ही आप जो है वो दूसरा फास्टैग किसी दूसरे बैंक से। यहाँ पर आपको बता दूंगी 32 के करीब ऐसे बैंक हैं जिनसे कि आपको नया फास्टैग मिल सकता है। प्रोसेस जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा जटिल नहीं है, आपको केवल कुछ डिटेल्स उसमें फिलअप करनी है और आपका जो नया फास्टैग है वो आपको इशू हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेटीएम का इशू किया हुआ फास्टैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो 29 फरवरी के बाद आपका फास्टैग बंद हो जाएगा। और करीब करीब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका फास्टैग बंद होने वाला है, क्योंकि जो जानकारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो टोल कलेक्शन जो एजेंसी है उसके द्वारा दी गई है, तो उन्होंने ये बताया है कि पेटीएम के पास 30% का शेयर था और इस हिसाब से करीब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक का फास्टैग अपनी गाड़ी पर लगा कर रखा है। लेकिन आरबीआई ने जब ये पाया कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो सीधे तौर पर पेटीएम पेमेंट बैंक को ये कह दिया गया कि 29 फरवरी के बाद वो कोई भी ऑपरेशनल जो उसके प्रोसीजर है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। किसी भी खाते में, बेशक पेटीएम पेमेंट बैंक का खाता हो, सेविंग अकाउंट हो या फिर फास्टैग अकाउंट हो, किसी भी खाते में पैसा जमा नहीं होगा। केवल जो पैसा पहले से जमा है वो विड्रॉ हो जाएगा, उसका इस्तेमाल हो जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन नया पैसा जो है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के किसी भी अकाउंट में जो है वो जमा नहीं होगा। और इसी सिलसिले में आपका फास्टैग भी आता है, यानी कि अगर आपने फास्टैग पेटीएम से लिया है तो आपका फास्टैग भी रिचार्ज नहीं होगा। परेशानी करीब करीब जो है वो 2 करोड़ लोगों को अब आने वाली है, क्योंकि नया फास्टैग खरीदना पड़ेगा, किसी दूसरे बैंक के फास्टैग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है प्रोसेस सा थोड़ा सा इसमें जरूर है, लेकिन वक्त रहते, क्योंकि 29 फरवरी के बाद आपका पेटीएम जो आपने माफ करिएगा फास्टैग जो आपने पेटीएम से इशू करवाया है वो रिचार्ज ही नहीं होने वाला है। पिछला बकाया जो आपका है, आप अगर चाहें क्या, अगर आप किसी भी टोल से गुजरते हैं तो पैसा जो है वो वहीं से जाएगा, उसमें आपको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी समझिए कि अगर आप फ्रिक्वेंट विजिटर हैं, यानी कि अगर आप टोल से फ्रिक्वेंटली गुजरते हैं, तो आपको नया पेटीएम भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि 29 के बाद अगर उसमें पैसा ज्यादा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप टोल से नहीं गुजर पाएंगे और आपको डबल टोल देना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप अगर फ्रीक्वेंट टोल विजिटर हैं, टोल से गुजरने वाले हैं और आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक का इशू किया हुआ फास्टैग मौजूद है और उसमें अगर बैलेंस ज्यादा नहीं है, तो आप रिस्क ना लें, आप नया जो फास्टैग है वो जरूर इशू करवा लें। क्योंकि अगर आपने इशू नहीं करवाया तो जाहिर सी बात है आप जब भी टोल से गुजरेंगे तो आपको डबल टोल देना होगा, और कहीं ना कहीं अगर आपके खाते में 100-200 रुपए हैं तो आप उन 100-200 रुपए के चक्कर में कहीं ज्यादा नुकसान आपका ना हो जाए, क्योंकि अगर आपका टोल डबल लगेगा तो जाहिर सी बात है आपको नुकसान होगा। तो बेहतर यही है, क्योंकि 29 फरवरी की तारीख है, अगर ज्यादा आपके उस समय बैलेंस है तो बैलेंस, क्योंकि उससे विड्रॉ नहीं होता है, तो आपके पास यही विकल्प है कि जब तक उसमें पैसे हैं आप किसी भी टोल पर जाएंगे तो टोल उसी से दीजिए, लेकिन 29 फरवरी के बाद आपको नया जो पेटीएम है
वो लेना होगा। और बकायदा अगर आप किसी भी साइट पर जाएंगे तो आपको वहां से ये जानकारी मिल जाएगी कि जो 32 बैंक्स है जहां से फास्टैग मिलता है, तो वहां से आप अपना फास्टैग ले सकते हैं। तो फास्टैग की जो ऑफिशियल साइट है आपने वहां पर जाना है, बकायदा इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, अब वहां पर जाएं, वहां पर पूरा प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा कि कैसे आपका जो पुराना फास्टैग है उसको आपने डिटेल्स देनी है कि आप इसे हमें इस्तेमाल में नहीं रखना है, और पुराना फास्टैग बंद करने के बाद नया फास्टैग भी आपको वहीं से इश्यू हो जाएगा। आपको केवल अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और नया फास्टैग आपको मिल जाएगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि RBI ने ये पाया कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसने नियमों का पालन नहीं किया, और इसीलिए ये आप कहें कि जुर्माने के तौर पर ये कहा गया कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो अब किसी भी खाते को ऑपरेट नहीं करेगा और उसी प्रकार से पैसे जमा नहीं होंगे, जो जमा पैसे हैं वो विड्रॉ हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे और इंटरेस्ट जरूर मिल जाएगा। और इसी हिसाब से अगर पैसे जमा नहीं होंगे तो बॉन्ड हो या सेविंग अकाउंट हो या फास्टैग हो, कोई भी नहीं चलेगा। और इसी वजह से करीब 2 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक का फास्टैग अपनी गाड़ी पर लगा रखा था और पेटीएम से ही आसानी से, क्योंकि रिचार्ज हो जाता है तो सहूलियत उस समय लोगों को मिल रही थी, लेकिन अचानक से अब ये मुश्किलात भी उन लोगों को आ रही हैं कि उन्हें अब नया पेटीएम खरीदना होगा। तो 29 फरवरी तक आपका पुराना बैलेंस यूज हो जाएगा, बैलेंस उसके बाद भी आपका जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा लेकिन नया बैलेंस उसमें ऐड नहीं होगा। और अगर आप फ्रीक्वेंट टोल से गुजरते हैं तो ये समय है जब आपको नया फास्टैग किसी दूसरे बैंक का खरीद लेना चाहिए। नमस्कार।